आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में सभी हैचबैक गाड़ियां कौन कौन सी हैं, यानी ऑल हैचबैक कार्स। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, सारी हैचबैक गाड़ियां 10 लाख रुपए के अंदर आ जाती हैं। तो आप जानिए कितनी हैचबैक गाड़ियां हैं और कौन कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लिस्ट में आपको सबसे सस्ती कारों से लेकर महंगी कारों तक बताऊंगा, यानी सबसे पहले जो कार आएगी वो सबसे सस्ती हैचबैक कार होगी। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बजाज क्वेटो, ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसमें कि 216 यानी 216 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलती है और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 2,48,000 रुपए की, जो कि सबसे सस्ती कार है। इसके बाद आती है डैटसन कंपनी की रेडिको। रेडिको एक 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, लेकिन इसमें पेट्रोल में 2 इंजन मिलते हैं, 0.8 और एक 1.0 लीटर का इंजन। गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 2,79,000 रुपये की, यानी इस कार के स्टार्टिंग प्राइस यही है। फिर सस्ती कार आती है तीसरे नंबर पर, रेनो कंपनी की क्विड। ये 5 सीटर कार है। ये कार भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और इसमें डैटसन रेडिको की तरह ही 2 इंजन मिलते हैं पेट्रोल के, एक 0.8 और एक 1.0 लीटर का। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 2,83,000 रुपये से। फिर आती है मारुति कंपनी की अल्टो 800। अल्टो 800 एक 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 2,88,000 रुपये की। फिर आती है मारुति की ही एल्टो K10। ये एल्टो 800 का 1.0 लीटर वाला वर्जन है और लुकिंग भी गाड़ी की चेंज है। K10 एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1.0 लीटर का है और गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 3,60,000 रुपये की, यानी इस कार के स्टार्टिंग प्राइस ये है। मारुति एस्पेरिसो, ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है और इस कार में भी बिल्कुल पेट्रोल इंजन सेम मिलता है K10 वाला ही, 1.0 लीटर का, और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 3,69,000 रुपये की। डैटसन गो, ये भी 5 सीटर हैचबैक कार है और कार में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 1.2 लीटर का इंजन है और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 3,77,000 रुपये की। मारुति सिलेरियो, ये कार 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि बिल्कुल K10 वाला है, 1.0 लीटर का, और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो मिलना था ही, क्योंकि इस कार में सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आया था मारुति की गाड़ियों में। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,26,000 रुपये से। हुंडई सेंट्रो, ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है और इस कार में भी सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1.1 लीटर का इंजन है और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,29,000 रुपये से। मारुति कंपनी की वैगनार, ये भी 5 सीटर कार है। इस कार में भी सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन कार में पेट्रोल के 2 इंजन मिलते, एक 1.0 लीटर का और दूसरा 1.2 लीटर का। गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,34,000 रुपये से, जो कि मारुति की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है। अब आइए टाटा कंपनी की टियागो, जो कि टाटा की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। टियागो एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.1 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 4,39,000 रुपये की। मारुति इग्निस, ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है
और कार में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 4,74,000 रुपये की। फिर आइए मारुति की सिलेरियो एक्स। ये कार बिल्कुल सिलेरियो जैसी है लेकिन इस कार की लुकिंग थोड़ी चेंज है यानी कलर से। सिलेरियो एक्स भी 5 सीटर हैचबैक कार है और कार में पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1.0 लीटर का इंजन है। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 4,75,000 रुपये की। हुंडई कंपनी की ग्रैंड आई टेन नियोज। ग्रैंड आई टेन नियोज एक 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है जो कि न्यू कार है, अभी 2019 में ही लॉन्च हुई है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है और इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,99,000 रुपये से। मारुति कंपनी की स्विफ्ट। ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है और कार में दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है यानी पेट्रोल और डीजल का, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिक और मैनुअल का, लेकिन इस कार के सबसे ज़्यादा मैनुअल ट्रांसमिशन ही बिकते हैं। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 5,14,000 रुपये से। फोर्ड कंपनी की फीगो। फीगो भी 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है मैनुअल और ऑटोमेटिक का। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,23,000 रुपये से। निसान कंपनी की माइक्रा एक्टिव। माइक्रा एक्टिव एक 5 सीटर हैचबैक कार है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,25,000 रुपये से। फिर आती है टाटा कंपनी की बोल्ट। ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है और कार में दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है यानी पेट्रोल और डीजल का, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन और गाड़ी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 5,29,000 रुपये से। फिर आती है महिंद्रा की सबसे सस्ती कार जिसका नाम है महिंद्रा KUV100NXT। KUV100NXT एक 5 सीटर हैचबैक कार है जो कि महिंद्रा की सबसे सस्ती कार है और महिंद्रा ने इसमें दोनों इंजन का ऑप्शन दिया है पेट्रोल और डीजल का, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 4,88,000 रुपये से। फिर आती है टोयोटा की सबसे सस्ती कार जिसका नाम है इटियोज लीवा। ये कार भी 5 सीटर हैचबैक कार है और गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,34,000 रुपये से। फिर आती है फिएट कंपनी की पुंटो ईवो जो कि फिएट कंपनी की सबसे सस्ती कार है। ये 5 सीटर हैचबैक कार है और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। ये गाड़ी बिल्कुल ना के बराबर बिकती है, बल्कि फिएट की तो सभी गाड़ियाँ ना के बराबर ही बिकती हैं। कुछ कुछ महीने एक यूनिट बिक भी जाती है लेकिन, और अब तो बिल्कुल फिएट कंपनी का सफाया हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,35,000 रुपये की। हुंडई कंपनी की ईलाइट i20। ये 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,52,000 रुपये की। मारुति कंपनी की बलिनो। बलिनो एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,58,000 रुपये से। हुंडई कंपनी की ग्रैंड आई टेन।
ग्रैंड आई टेन एक 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार पहले तो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,79,000 रुपये की। ऐसा लगता है कि हुंडई इस कार को जल्द ही बंद कर देगी, क्योंकि इस कार में ने डीजल इंजन का ऑप्शन हटा दिया और सीएनजी का भी। वॉक्सवैगन कंपनी की पोलो। पोलो वॉक्सवैगन कंपनी की सबसे सस्ती कार है, लेकिन पावरफुल कार भी है। ये कार 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.0 और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, यानी पेट्रोल में दो इंजन के ऑप्शन और डीजल में एक इंजन। गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 5,84,000 रुपये से। टाटा टियागो एनआरजी। टियागो एनआरजी एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.1 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,84,000 रुपये की, जो कि बिल्कुल वॉक्सवैगन पोलो जितनी है। अब आइए फोर्ड कंपनी की फ्रीस्टाइल, जो कि काफ़ी खूबसूरत कार लगती है। ये 5-सीटर हैचबैक कार है। कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,91,000 रुपये से। अब आइए महिंद्रा कंपनी की E20+। E20+ 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार एक इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में। इसमें आपको 210 AH लिथियम आयन बैटरी मिलती है और गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। ये कार बिल्कुल ना के बराबर बिकती है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,07,000 रुपये की। टोयोटा कंपनी की इटियोस क्रॉस। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,50,000 रुपये की, यानी 6,50,000 रुपये की। महिंद्रा वेरिटो वाइब। वेरिटो वाइब एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार में सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। इस गाड़ी की लुकिंग लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगी और कार का बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,58,000 रुपये की। निसान माइक्रा। ये कार 5-सीटर हैचबैक कार है और कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,62,000 रुपये की। टाटा कंपनी की टियागो जेटीपी। जी हाँ, टियागो जेटीपी एक 5-सीटर हैचबैक कार है और ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। ये टियागो जेटीपी बिल्कुल टियागो जैसी दिखने में कार है, लेकिन इस कार के इंजन में सिर्फ बदलाव किया गया है। इसके इंजन के पेट्रोल में टर्बो है, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,69,000 रुपये की। इस कार को महंगा इसका इंजन बनाता है, जो कि टर्बोचार्जर इंजन है। फिएट कंपनी की एवेंचुरा अर्बन क्रॉस। एवेंचुरा अर्बन क्रॉस एक 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। फिएट की सभी गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 6,77,000 रुपये की। फिएट एवेंचुरा। ये कार भी 5-सीटर हैचबैक कार है और इस कार में सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि 1.3 लीटर का डीजल इंजन है। और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 7,11,000 रुपये की। टोयोटा कंपनी की ग्लैंजा। ग्लैंजा कार बिल्कुल दिखने में बलिनो जैसी है। ये कार 5-सीटर हैचबैक कार है और कार में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है।
और गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 7,21,000 रुपये की। होंडा कंपनी की जैज। जैज एक 5-सीटर हैचबैक कार है और गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक और मैनुअल का। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 7,45,000 रुपये की। हुंडई कंपनी की i20 Active एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 7,74,000 रुपये से। मारुति कंपनी की बलिनो आर एस एक 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार बिल्कुल बलिनो जैसी ही है, हाँ जी, लेकिन इसके आगे RS लग गया। लेकिन RS लग गया तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और इसमें सिर्फ 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी 1000 cc का। ये इंजन जो है ये उस 1.2 लीटर वाले इंजन को भी पछाड़ देता है जो कि बलिनो में आता है, क्योंकि ये इंजन टर्बोचार्जर इंजन है। इस कार के पेट्रोल इंजन में टर्बो है और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 7,88,000 रुपये की। अब दूसरे नंबर पर महंगी कार जो आई है वो है फिएट अबार्थ पुंटो। ये 5-सीटर हैचबैक कार है और इस कार में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 9,67,000 रुपये की। ये कार बिल्कुल पुंटो ईवो जैसी दिखने में कार है, लेकिन इस कार में मैं आपको बता देता हूँ, इस कार के भी इंजन में बदलाव है जिसमें कि पेट्रोल में टर्बो है। ये इंजन भी टर्बोचार्जर इंजन है। हैचबैक गाड़ियों में सबसे महंगी कार कौन सी है, तो वो है फिएट अबार्थ एवेंचुरा। अबार्थ एवेंचुरा एक 5-सीटर हैचबैक कार है और ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है जिसमें कि 1.4 लीटर का टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इस कार के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 9,89,000 रुपये की। तो ये हैं सभी हैचबैक गाड़ियाँ जो कि इंडिया में मौजूद हैं। ये 40 गाड़ियाँ हैं जो कि 10 लाख रुपये के अंदर आ जाती हैं। तो आपको इन गाड़ियों में कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।